गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे जाते हैं। अपनों से उतना रूठो कि आपकी और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम पर ज़रूर विचार कर लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। इतना बदल जाना है कि लोग तरस जाएं पहले जैसा देखने के लिए। ज़िंदगी के लिए जान जरूरी है, पाने के लिए अरमान जरूरी है। हमारे पास चाहे हो कितना ही गम, पर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुँचाएँ तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। एक टूटी सी जिंदगी को समेटने की चाहत थी, न खबर थी उन टुकड़ों की जिन्हें ही बिखेर बैठे हम। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। जरूरी नहीं हमें डांटने वाला हमसे नाराज ही हो, क्योंकि डांटने का हक सिर्फ प्यार करने वालों को ही होता है। बांटना है तो हंसी बांटो, आंसू तो सबके पास है। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में, जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बारिश में रख दूं जिंदगी को ताकि धुल जाए पन्नों की स्याही, जिंदगी फिर से लिखने का मन करता है कभी कभी। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। खतरा है इस दौर में बुजदिलों से दिलेर को, धोखे से काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। जो जुबान से फिसल जाए वो गिरे हुए लोग पसंद नहीं है हमें। गिरे हुए लोग ही करते हैं दहेज की तमन्ना, वरना खैरात की दौलत से अमीरी नहीं आती। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। पापी कितना भी समझदारी से पाप क्यों ना कर ले, एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। शरीफ इंसान सराफत की वजह से चुप रह गया, बदमाश ने समझा कि उसे जवाब देना आता ही नहीं। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया वालों की औकात जान ली है। किसी ने मुझसे पूछा पूरी ज़िंदगी क्या किया, तो मैंने हंसकर जवाब दिया किसी के साथ धोखा नहीं किया। सुधरना बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। रामायण में दो पात्र हैं, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। किसी को जज करना है तो उससे बात करो, दूसरों की बात के बेस पर किसी को जज मत करना, क्योंकि कोई इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता और हर किसी के लिए बुरा नहीं होता। दो बातें अपने अंदर पैदा करो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं पड़ती। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। जब आ जाए हंसते हुए आंखों में आंसू, तब एहसास होता है हर खुशी को पाने में कितनी तकलीफ होती है। हंसते रहो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। जो सच बोलता है सबसे अधिक नफरत लोग उसी से करते हैं। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक ही रास्ता है, एक बार और प्रयास किया जाए। जो सब्र के साथ इंतजार करते हैं उनके पास हर एक चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुँच जाती है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती,
अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ कभी हरा नहीं सकती। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी बात सच है कि आपके बिना बहुत सी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं। लोग जितना समय दूसरे को समझने में लगाते हैं, अगर उसका आधा भी समय खुद को समझने में लगा दें तो जीवन में कहीं आगे निकल जाएंगे। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जल्दबाजी करोगे तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरे को टिकने देती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से वो रिश्ता ही निकाल देता है। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। अकेला चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ हो। गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभल कर चलना सिखाया है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितना दूर है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को काट नहीं सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें, वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। भगवत गीता में लिखा गया है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ नहीं सीख पाते। जिस प्रकार खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देख पाते, उसी प्रकार क्रोध में हम सत्य को नहीं देख सकते। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वैसा होगा जो आज तक होता आया है। ज्ञानी और अज्ञानी को दोनों को ही समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि जब चलना है आपको अपने ही पैरों पर। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। वक्त सभी का एक सा नहीं रहता, रोना उन्हें भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। ये जिंदगी है साहब, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी मानते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। मेरे व्यक्तित्व और व्यवहार को कभी मत मिलाइए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। अपनी ऊर्जा चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है, इसका उपयोग समाधान ढूंढने में करो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभल कर चलना सिखाया है। तुम्हारी गलतियाँ ही तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर हैं।
अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। मतलब कि रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। दिल की आवाज़ समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए। मौन रहना एक साधन है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। ऊपर वाला दिल भी सबको देता है, दिल से प्यार करने वाला भी देता है, दिल में बसने वाला भी देता है सबको, लेकिन दिल को समझने वाला तो किसी नसीब वाले को ही देता है। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ की दुकान चलाते हैं। हाथ की लकीरों के चक्कर में मत आइए, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नाराज ना होना कभी यह सोच कर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। भरोसा तोड़ने वालों के लिए बस एक यही सजा काफ़ी है, उसको ज़िंदगी भर के लिए खामोशी के तोहफे दे दी जाए। बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसियाना बना ले। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमज़ोर समझें। पैर की मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी महान बनने नहीं देगा। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देगा। अगर गंदे और मैलों कपड़े से हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। नहीं और हाँ यह दो छोटे शब्द हैं, लेकिन जिनके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। बड़ी आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उनका दिल नेकियों का नवाब है। अपनी गलतियों पर सौ पर्दे डालकर लोग खुद कहते हैं जमाना बहुत ख़राब है। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा सूरज को, वो अकेला ही चमकता है। अपने आज में जीना सीखो, क्योंकि कल ना आया है ना आएगा। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। ज्ञान का इस्तेमाल करना ही ज्ञानता है, वरना ज्ञान भी एक अज्ञानता है। ठोकर लगकर गिरने में शर्म नहीं, लोगों की नज़रों में गिरना शर्म की बात है। झूठा दिखावा कभी मत दिखाओ, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर और भीतर दोनों से ही जानता है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना हो, उस दिन समझिए आपने कुछ नहीं सीखा। अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, क्योंकि अमीर बने रहने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, जो पैसा मिलते ही गायब हो जाती है। दिखावे के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। नासमझ इंसान की जुबान चलती है और समझदार इंसान का दिमाग। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। बुरे विचार का मन में आना बुरा नहीं होता, वो वहीं घर कर जाएं, समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है आज कुछ अच्छा करो। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, तो मौन रहना किसी साधना से कम नहीं है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। कल की चिंता मत करो, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन में सभी अंधकार मिटा देती है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। ज़िंदगी जीने का सही तरीका उन्हीं को आया है जिन्होंने ज़िंदगी में हर जगह बादाम नहीं धक्का खाया है। सुबह की नींद इंसान के इरादे को कमज़ोर बनाती है, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करती। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने पर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। किसी विद्वान से पूछा गया,
आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जिंदगी में खुशियों की तलाश करो, दुखों का तो अंत नहीं है। कोई नज़र अंदाज कर रहा है तो करने दो, कोई अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना, वक्त सबका आता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाएं, तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम दे, पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। अच्छा कहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, पर अच्छा करने वाले कुछ ही हैं। बारिश की बूंदें छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। रिश्ते कभी कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज़ देनी चाहिए। इतना आम भी बनना सही नहीं है कि जब चाहे जो भी आचार बना डाले। गुजर जाएगा यह दौर, जरा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही ना रुक सकी तो गम की क्या औकात है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीखो। जिंदगी के कठिन समय में मुस्कुराना सीखो। दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो होते हैं जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। हम किसी की ज़रूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने जवाब दिया, अगर पंछी हवा में उड़े तो मेरा प्रेम है, अगर पिंजरे में हो तो तेरा प्रेम है। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। भगवान ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहें। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो वह गंगा जल बन जाएगा। हर दुख एक सबक देता है और हर एक सबक इंसान बदल देता है। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में जनाब, वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। ये जीवन है, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। किसी की मुस्कुराहट की वजह बने या ना बने, मगर किसी के दर्द की वजह कभी ना बनो। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। इंसान हमेशा अपने भाग को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता। उस इंसान से कभी मत झूठ बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। लोगों की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन सक्सेस तो खुद की मेहनत और लगन से ही मिलती है। शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं और शब्द ही जीवन को अर्थहीन कर देते हैं। संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में हमारा साथ ना दे तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाने से कोई अर्थ नहीं होता। जब किसी का मन शांत होता है तो वह अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर एक तूफान को झेल लेता है। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वैसे ही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ, मगर कभी नींद नहीं आती तो कभी ख्वाब नहीं आते। अब तो हद हो रही है, बिना गलती की सज़ा मिल रही है। न जाने क्यों दिल उदास हो गया है, बस यूं ही जिंदगी से थक गया है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, क्योंकि जिससे हम प्यार करते थे वो तो बेवफा हो गया है। बहुत अंदर तक तबाही मचाता है वो आंसू,
जो आंखों से बाहर नहीं आ पाता। मिलने को तो हजार मिल जाएं, पर तुम हो तो जीने की वजह मिल जाए। ना खुशी खरीद पा रहा हूँ, ना गम बेच पा रहा हूँ, फिर ना जाने क्यों रोज़ कमाने निकल जाता हूँ। हम सबको खुशी देते हैं, शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा रोते हैं। तुम जिसे हर दिन याद करती हो, वो तुम्हें एक पल भी याद नहीं करता। किस्मत ने साथ नहीं दिया साहब, वरना इश्क हमने भी बेहिसाब किया था। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। नफरत नहीं तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं।